Yes, Peter, our topic which we are going to start is basic logic gates. Okay. Basic logic gates. अब हमने अभी तक क्या क्या किया हुआ है हमने एंड ठीक है जी और ठीक है उसके बाद हमने क्या किया हुआ है नॉट इसका हमें ट्रुथ टेबल बनाना आ गया हुआ है. अब इसको हम एक इस सर्किट को जो हमें इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसको हम डायग्राम के वे में प्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हमारे गेट्स. तो सबसे पहले मैं आपको करवाने लगी हूँ नॉट. तो नॉट का गेट कैसे होता है हमारा क्या इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक्स है अगर एक्स में अगर वैल्यू जीरो है तो वो क्या हो जाएगी वन और अगर वन है तो वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो ऑपोजिट राइट. तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डायग्राम कैसे बनेगी जैसे कि हमारे पास एक्स है और हमारा ये बनता है इसका गेट और इसकी वैल्यू क्या आ गई उसके ऑपोजिट उसकी कॉम्प्लीमेंट ठीक है जी. तो हमारे पास क्या है एक्स एक्स की डायग्राम हमने ये हमारा क्या बना सर्किट सर्किट के अंदर जब निकल के बाहर आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स का कॉम्प्लीमेंट. दोज हु आर ऑन स्क्रीन दे कैन सी दैट मूविंग माय पॉइंट्स माउस पॉइंटर ऑन द सेम प्लेस व्हिच आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड द सेम डायग्राम आई हैव क्रिएटेड ऑन द बोर्ड टू. इज इट क्लियर टू यू ये हमारी किसकी डायग्राम होगी नॉट. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एंड. अब एंड का ट्रुथ टेबल आपने सबने किया हुआ है तो सबसे पहले हम एंड का ट्रुथ टेबल बनाते हैं. हमारे पास एंड का ट्रुथ टेबल क्या है ये हमारा ट्रुथ टेबल है एंड का. एक हमारे पास क्या है एक्स और एक क्या है हमारे पास वाई ठीक है. तो हमें पता है कि इसकी वैल्यूज क्या आती है हमारे पास जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन. अब जीरो जीरो क्या आ जाता है हमारे पास जीरो जीरो वन का क्या आ जाएगा हमारे पास एंड है ये बताइए क्या आ जाएगा जीरो वन जीरो जीरो वन वन वन. Now every time I will not say true, false, false, true. Now that thing is already clear to you. हमने last time बहुत अच्छी तरह से detail में कर ली हुई है. तो अब हमें पता है कि हमारा truth table क्या कहता है कि zero 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 one 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 zero one sorry and का zero 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 one zero one zero zero one one one. तो ये truth table हमारा and का हमें clear है. अब हम इसकी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं. तो देखिए हमारा इसका सर्किट कैसे क्रिएट करते हैं एंड का सर्किट. तो एंड का सर्किट कैसे क्रिएट होगा आपका विद दिस डायग्राम. दिस इज यूज फॉर एंड. ये मेरा एक जो है लिंक क्या गया है इसके अंदर एक्स दूसरा इसके अंदर मेरे पास क्या गया वाई और इसका आउटपुट निकल के मेरे पास आएगा वो क्या होगा एक्स पॉइंट वाई दैट इज x एंड y. तो अगर आपने x y को बुलियन गेट में प्रेजेंट करना है तो आपका ये रिप्रेजेंटेशन क्या मेरी बात समझ में आई ठीक है जी. ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है a और b ठीक है. a गया हमारा अंदर b गया अंदर और निकल के क्या बाहर आया f. ये हमारा क्या है फाइनल रिजल्ट ठीक है जी. तो हमारा इसमें ये जहां पे F लिखा है तो हमारा आउटपुट क्या हो गया A into B. यहां पे हमारा क्या आ गया A into B. तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बनाई है ये डायग्राम. यहां तक क्लियर है हाँ जी. स्क्रीन पे अगर किसी को प्रॉब्लम है यहां तक नॉट और एंड में प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट करो. चलिए करें नेक्स्ट फिर. अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या आ रहा है और नेक्स्ट हमारे पास क्या है और. तो और को भी हमने कर चुके हैं और में हमने क्या पढ़ा है बताएगा क्या पढ़ने लिखेंगे जीरो वन जीरो वन ठीक है. ये मेरा क्या हो गया एक्स एंड वाई और एक्स क्या होगा जीरो जीरो वन ये बात हमें क्लियर हो चुकी है. इसका आउटपुट क्या आता है वो भी हमें क्लियर हो चुका है क्या होगा जीरो वन ठीक है जी. तो इतनी बात हम कर चुके हुए हैं कि अगर हम और कर रहे हैं तो और के लिए ट्रुथ हमारा टेबल क्या बनेगा एक्स वाई जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन और हमारा आंसर क्या आ जाएगा जीरो वन वन वन. ये सेम ट्रुथ टेबल मैंने क्रिएट किया है ठीक है. उसके बाद अगर हमने इसको डायग्राम में प्रेजेंट करना हो तो क्या करेंगे
हमारा ए का आउटपुट क्या चला गया? एक्स। ए दूसरा आउटपुट क्या चला गया? वाई। तो ये प्रेजेंट करने का वे है दिस। ये क्या है मेरा? क्लियर जी? थोड़ा सा इसको हम डाउन शीट में बना देंगे ऐसे। आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्राइंग। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा? मेरा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट वो क्या है मेरा? एक्स प्लस वाई। क्लियर? तो जब आपको पूरा एक्सप्रेशन आएगा तो एक्स वाई को आपने कैसे प्रेजेंट करना है, नॉट को कैसे प्रेजेंट करना है हमने किया अभी, और वो कैसे प्रेजेंट। क्लियर होगी मेरी बात? तो यहाँ पे हमने क्या किया है देखिए, ये ए और बी दो हमने आउटपुट डाले, इनपुट डाले सॉरी। अब ये किसको डिनोट करता है डायग्राम? ये हमारी डिनोट करती है और को। इसको बना के हमारे पास क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट। मतलब ये हमारा फाइनल रिजल्ट क्या देगा? ए प्लस बी। उसको प्रेजेंट करने के लिए हम ये डायग्राम बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि अगर दो से ज्यादा है, हमने कल जब लास्ट टाइम किया था तो क्या किया था? एक्स वाई जेड के चले, ठीक है, उसका ट्रिक टेबल बनाया था हमने, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मतलब सर्किट में जितने भी इनपुट आएंगे हम उन इनपुट को लेके आउटपुट क्या प्रेजेंट करते हैं? हमेशा वन। क्लियर? सो सपोज यहाँ पे एक्स वाई जेड, अगर आपके पास तीन इनपुट होते, ठीक है, तो उसको भी आपने कैसे डिनोट करना है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सपोज आप आउट किसका बना रहे हो? और का बना रहे हो, तो आप क्या करोगे? दिस का। सेम अगर आप किसका बना रहे हो? एंड का, तो एक्स वाई जेड क्या बन जाएगा? Is it clear? तो हम क्या देख रहे हैं कि जहां पे हमारे पास दो से ज्यादा इनपुट आ रहे हैं तो उस सर्किट में हमने उन जितने भी हमारे पास इनपुट आ रहे हैं उनको ड्रॉ करके हमने क्या निकाल देना है? एक सिंगल आउटपुट। क्लियर? तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है ए बी, उसमें से क्या हमने आउटपुट निकाला? एफ। उसके बाद ए बी सी, नेक्स्ट उसने हमें एग्जाम्पल क्या दे दी? ए बी सी डी। मतलब तीन चार दे दिए, पहले दो फिर तीन फिर चार। तो हम उसमें कुछ जब जितने भी हमारा होगा हमारा सर्किट वैसे का वैसा चेंज होता जाएगा, चाहे वो हमारा और है या फिर हमारा एंड है। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? उसका जो फाइनल रिजल्ट, जो उसका फाइनल आउटपुट आया है, तुम यहाँ ऐसे मत लिखो, तुम एच लिख लो, ठीक है, कुछ नहीं होने लगा। वो तो ये दिखा रहा है कि इसका फाइनल आउटपुट क्या है। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है जी। हाँ जी, किसी को जो हमारे पास स्क्रीन पे बैठे हुए हैं यहां तक टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सारे बड़े इंटेलिजेंट हो गए, सबको क्लियर है, बहुत अच्छी बात होगी फिर तो। चलो नेक्स्ट हम आगे करें। मैम नॉट कैसे? हाँ, नॉट कैसे बनता है? नॉट का मैं दोबारा दिखा देते हैं खुशी को कि नॉट का कैसे बन रहा है। ये देखिए खुशी, ये बन रहा है नॉट का। नॉट का मतलब क्या होता है कि अगर यस है तो क्या हो जाएगा? नो। अगर नो है तो क्या हो जाएगा? यस। मतलब जो भी हमारा इनपुट होता है आउटपुट क्या होता है? उसका कॉम्प्लीमेंट, उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट। तो ये जो है, ये जो सर्किट है, ये किसको शो करता है? उसके कॉम्प्लीमेंट को और उसके ये नॉट को। इज इट क्लियर खुशी? यस मैम, थैंक यू मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम यहां तक कर चुके हैं, अब हमें नॉट का गेट बनाना आ गया, और का गेट बनाना आ गया, एंड का गेट बनाना आ गया। अब ये सब कॉम्बिनेशन में आपको एक्सप्रेशन मिलेगा जिसको आपने डायग्राम के वे में, जैसे आपने ट्रुथ टेबल शो करते थे वैसे आपने डायग्राम के वे में उसको शो करना होगा। ठीक है, उससे पहले कुछ लॉ है जो हमने करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कुछ लॉ हमें बताने जा रहा है, उसको मैं एक एक करके डिस्कस करने लगी हूँ आपके सामने। Thank you.
हाँ जी, हमारा फर्स्ट रूल क्या कह रहा है हमको, और के बारे में हमें कह रहे हैं, पहले हम और डिस्कस करने लगे हैं। वो कह रहा है कि 0+0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमें पता है। ओके, तो उसको कहता है शो कैसे करना है, 0+0 इज इक्वल टू 0। तो उसको आपने जब बैकग्राउंड में प्रेजेंट करना है, कैसे करना है, सिंपल 0+0 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये आपको छोटे छोटे रूल बताए क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब आपने इनको कंबाइन करना है तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, आप उसमें अप्लाई करोगे, ये सारे के सारे उसके अंदर फिर लगेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा, 0+1 इज इक्वल टू, हम और कर रहे हैं 1, ठीक है जी। तो हमने उसको कैसे डिनोट कर दिया, सेम हमारी वही डायग्राम बन जाएगी, यहाँ पे कर लिखेंगे 0, यहाँ पे कर लिखेंगे 1, और हमारा आउटपुट क्या आ गया, 1। क्लियर। अब नेक्स्ट हमने क्या बोल दिया, कहता 1+0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने कहा ओके, तो हमने उसकी डायग्राम बना दी, हमने कहा लो जी ये इसकी डायग्राम क्या आ गया, 1। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट हमने क्या कहा, 1 1 अगर जाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा बाहर, 1। सिंपल, ये पहले हमारे पास ये था, इसकी ईच टर्म का अब हमने ट्रुथ टेबल बना दिया, सेम बनेगा, सिर्फ उसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट अलग अलग। तो स्क्रीन जो स्टूडेंट्स हमारे बैठे हैं उनके लिए भी मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि ये हमारे पास हमारा ट्रुथ टेबल है जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। मेरे बेटा जी हर लाइन का उसने अलग अलग आपको क्या बना के दिखा दिया है, गेट, ये आपके अलग अलग गेट्स बन गए हुए हैं। इस लाइन का ये सेम डायग्राम रहेगी, सिर्फ इनपुट और आउटपुट आपने चेंज करते जाने। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एंड, सेम अगर हमें एंड का बोला जाए कि एंड का बनाओ, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ट्रुथ टेबल एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच लाइन, तो आप कैसे करोगे, क्या आता है सबसे पहले आपका क्या आएगा, 0+0 उसके बाद क्या आएगा, 1+0 उसके बाद क्या आएगा, 0+1 और उसके बाद 1+1। तो हम इसको बड़े आराम से अब कर सकते हैं, हमें एंड बनाना आता है और हम उसके आगे क्या करते जाएंगे, उसके इनपुट और उसका आउटपुट देते जाएंगे। आउटपुट आपको पता है क्या होता है, अब सोचने की जरूरत नहीं, हमारा दिमाग अपने आप चलेगा, तो हमारे दिमाग ने चल के हमें सारे आंसर दे दिए, ठीक है जी। तो जो हमारे स्टूडेंट स्क्रीन पे बैठे हैं वो भी दे सकते हैं कि सेम चीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, मेरे बेटा 0+0 × 0, ये हमने इसको प्रेजेंट कर दिया डायग्राम की वे में, 0 1 1 0 1 1, और ये हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट उसने बात हमें क्या कहा है, कॉम्प्लीमेंट रूल। कॉम्प्लीमेंट रूल क्या है हमारा, नो का है, सेम जो हम कर चुके हैं, अगर मैं 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, नॉट गेट के थ्रू, और इसको भी कैसे शो करेंगे, नॉट गेट के थ्रू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, यहाँ पे 1 रहेगा। क्या किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट फिर हम आगे करें। अब हमारे पास आ गया प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्या टर्म आ गई है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। चलिए उसके बारे में भी देखिए क्या कहना चाहता है उसके अंदर। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी में उसने हमें 3 रूल्स दिए हैं जो हमने फॉलो करने हैं अपने एक्सप्रेशन को चेंज करने के लिए, ठीक है जी। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर आपका प्लस है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सेकेंड रूल क्या है आपका, अगर आपका मल्टीप्लाई है किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में।
ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं चेंजिंग ईच और टू एंड, चेंजिंग ईच एंड टू और, एंड रिप्लेसिंग ईच जीरो बाय वन एंड ईच वन बाय जीरो। ठीक है जी, तो थर्ड रूल हमारा क्या है, जीरो किस में चेंज हो जाएगा, वन में, और वन किस में चेंज हो जाएगा, जीरो। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है जी, तो अगर हाँ मैं आपको एक्सप्रेशन दू एक्स वाई, तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी से ये क्या बन जाएगा, हाँ एक्स प्लस वाई, क्लियर हुई बात? अगर मैं दू आपको एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई, तो वो किस में चेंज हो गया, एक्स इंटू वाई। ठीक है जी, और अगर जीरो है तो क्या बन जाएगा वो, वन। सपोज आपके पास एक्सप्रेशन है जीरो इंटू वन, तो क्या बनेगा ये, वन प्लस, सारा कुछ उल्टा। क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी हमें क्या सिखाती है कि जो हमारा एक्सप्रेशन होगा उसके अंदर जो और साइन है वो बेटा जी एंड में चेंज हो जाएगा, जो एंड है वो किस में चेंज हो जाएगा, और में, और जीरो किस में चेंज हो जाएगा, वन में, वन किस में चेंज हो जाएगा, जीरो में। तो आपको एग्जांपल दे रही है जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो मेरे बच्चे वो क्या बन गया, वन इंटू वन इक्वल टू वन, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन, वन इंटू जीरो इक्वल जीरो। अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको दिख रहा है कि आपका ट्रूथ टेबल एंड और में कन्वर्जन हो रही है अपने आप। ठीक है जी, वही हुआ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, क्या यहां तक प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी तक सबको समझ में आ गया, क्लियर है स्क्रीन पे जो बैठे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम, क्लियर है सबको? खुशी तुम्हें प्रॉब्लम है या नहीं है, तुम एक बार डिसाइड कर लो कि सिर कैसे मानना है, नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब हम मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करने जा रही हूं टॉपिक, बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ये टॉपिक है सारे सीक्वेंस में याद रखने, जो भी लॉ है ना आपको नाम आ जाएगा लॉ का, ये लॉ सिर्फ नाम आएगा आपको पेपर में, ये लॉ एक्सप्लेन करो ऐसे, ओके? तो वो लॉ के अंडर क्या एक्सप्रेशन बनना है, क्या ट्रूथ टेबल बनना है, क्या उसका गेट्स बनना है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको सिर्फ लॉ का नाम आ जाना है ऊपर कि ये लॉ एक्सप्लेन करो। अब हमारे पास बेसिक थ्योरम ऑफ बुलियन में, बुलियन एलजेब्रा में क्या बोल रहा है वो, कि जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स कहता, जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, आपको बोलेगा प्रूव करो विद ट्रूथ टेबल एंड डायग्राम। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, एक्स है, क्योंकि एक तो जीरो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, एक हमें क्या दिया है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो या वन। गॉट माई पॉइंट? अब मैं इसको देखूंगी, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस वन, वन, क्लियर? तो आप ध्यान से देखो, ये और ये दोनों सेम है, तो आपकी ये थ्योरम हो गई प्रूफ। ठीक है, और इसको डायग्राम में प्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, जीरो एक्स और यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, चलिए अब मैं देखिए हमने क्या किया है, कहता जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, जीरो हमारा फिक्स रहेगा, एक्स की वैल्यू या तो जीरो हो सकती है या फिर वन भी हो सकती है, जब जीरो है तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो, जब वन है तो आउटपुट क्या आ गया, वन। तो अब हम देख रहे हैं कि एक्स के अंडर क्या है, जीरो वन, और आर के अंडर क्या है, जीरो वन, दोनों सेम है, तो हमारा ये लॉ जो है, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रूव हो गई कि जीरो प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स, और इसको हमने क्या प्रेजेंट कर दिया, डायग्राम की वे में।
अब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो मुझे प्रेजेंट करके दिखाएंगे, वन प्लस एक्स इज इक्वल टू वन, जीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसको ट्रुथ टेबल में और डायग्राम में प्रेजेंट कीजिए। हाँ जी प्रेजेंट कीजिए आपने, जो स्क्रीन पे बैठे हैं वो भी फ्री नहीं बैठे हैं, उनको भी काम दिया गया है, वो भी करेंगे। फर्स्ट जीरो प्लस एक्स इजिकल टू एक्स कर दिया हमने, नेक्स्ट सेकंड क्या है, वन प्लस एक्स इजिकल टू वन, जीरो इंटू एक्स इजिकल टू जीरो, वन इंटू एक्स इजिकल टू एक्स। बुक की बुक बुक बंद करो, बंद जो मैंने आपको खुद करने को बोला नहीं। तो फटाफट से क्विक रीजन दे दीजिए। तो आपको उसका ट्रुथ टेबल और डायग्राम बनानी आ गई। ठीक है जी, इजी सी चीज थी हमारी। चले आगे, हो गया सबका, क्लास में हो गया तो स्क्रीन पे भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक लॉ स्टार्ट करने लगे हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज की थी, दीज वर द प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या आ रहा है, इंडेमपोटेंस लॉ। इन डेम लॉ, नाम बड़े क्लासी रखे हुए उन्होंने, ठीक है जी। अब ये कहता क्या है, आपको बोला जाएगा कि ये लॉ एक्सप्लेन करो, बस आपको क्वेश्चन ये आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस लॉ के अंदर हमारे पास क्या क्या हमें प्रूव करना होता है। x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, एंड सेकेंड उसका क्या हमें बोल रहा है, वो x इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है जी। अब आपने इसका बनाना है ट्रूथ टेबल, बनाइए। पहले फर्स्ट लॉ में बनाओ, x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स का ट्रूथ टेबल बनाइए। ठीक है, हमारे पास x एक ही वेरिएबल है, x की वैल्यू क्या है, जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो, अगर जीरो को जीरो प्लस कर दे तभी क्या आएगा, जीरो। वन प्लस वन भी क्या आएगा, वन। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जीरो। वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वन। सो हमारा प्रूव हो गया कि x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। अब आप इसका गेट बना दीजिए फटाफट। तो हम और का गेट हमें बनाना आता है,
मैंने कहा हाँ जी आता है तो बनाइए, जीरो वन ये बनाया मैंने और का गेट, और साथ में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया एक्स, मैं यहाँ पे भी एक्स रखूंगी, यहाँ पे भी मैं एक्स रखूंगी, और यहाँ पे मैंने इसको आउटपुट क्या दे दिया एक्स। ठीक है जी, अब मुझे कहता एंड का भी बना दो, मैंने कहा एक्स एक्स, और यहाँ पे भी मैंने एंड का बना के आउटपुट में मेरा क्या आ गया था एक्स। इस लॉ में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास ट्रूथ टेबल बनाया हमने किसका, x प्लस x इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या है, एक ही वेरिएबल है, दो वेरिएबल नहीं है, x ही है नाम उसका, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाना। x का हमने बनाया 0 1 0 1, हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट 0 1। ठीक है जी, ट्रूथ टेबल कर चुके हैं, आपको पता है क्या होना चाहिए, उसके बाद एंड में भी हमारा क्या आ जाएगा 0 1, और जब हमने इसको डायग्राम में करना है प्रेजेंट तो हमने इसको डायग्राम में भी प्रेजेंट कर दिया। तो आपको आएगा कि इस लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, इसको आप प्रूफ दीजिए, प्रूफ में आपने उसका ट्रूथ टेबल बना देना है, और इसकी डायग्राम में आपने इसका सर्किट क्रिएट करना है। कोई प्रॉब्लम किसी को, जो स्क्रीन पे बैठे हैं उनमें भी किसी को कोई प्रॉब्लम इस लॉ के अंदर? हिया अनम्यूट करना अपने आप को। यस मैम। बेटा आवाज क्लियर आ रही है मेरी? Yes, ma'am, clear your voice. Okay, echo तो नहीं create हो रहा ना? No, ma'am. ठीक है, thank you very much, बेटा. Properties थी। वो सारे हमने पूरे पूरे truth table को उसके gates बनाए थे ना? वो properties थी। चलिए नेक्स्ट लॉ हमारे पास आ गया इनवोल्यूशन। ठीक है जी, वो क्या कहना चाहता है उसको भी देख लेते हैं। कर दो इसको रब बना लिया सबने। अब ये क्या कहता है कि अगर हम x का कॉम्प्लीमेंट को फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है x, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस के साथ क्या हो जाएंगे कैंसल, तो वो क्या बन गया हमारा x। अब इसको अगर हमें ट्रूथ टेबल बनाना हो तो उसका क्या करेंगे, पहले हमने x लिया 0 1, फिर मैंने x का सिंगल कॉम्प्लीमेंट लिया वो क्या बन गया 1 0, फिर मैंने x का डबल कॉम्प्लीमेंट ले लिया वो क्या बन गया 0 1। ठीक है जी, अब इसको हम कहते हैं कि डायग्राम में भी शो करो, कहते हैं देते हैं ये देखो पहले गया, पहले उसका एक सिंगल, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका डबल, और हमारे पास क्या निकल गया आ जाएगा x। ठीक है, ये यहाँ पे क्या जा रहा है x गया, यहाँ पे x कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे x डबल कॉम्प्लीमेंट, निकल के क्या आया बाहर x। क्लियर? गुरप्रीत तुम इतनी सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा नहीं करके बैठे हो, थोड़ा आगे बैठना। हाँ जी, जो स्क्रीन पे है उनके लिए भी यही हमने ये नीचे जो लॉ दिया हुआ एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है x 0 1, x उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 0, उसको जब हम दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 0 1। तो मेरे बेटा जब हमने इसका ट्रूथ टेबल से इसको प्रूफ कर दिया कि हाँ जी ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, इसको हम डायग्राम में शो कर दिया, एक्स का हमने डाला बीच में, क्या निकला उसका एक्स का कॉम्प्लीमेंट जब नॉट गेट में डाला, नॉट करते हैं ना यूज हम कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको फिर से हमने कॉम्प्लीमेंट में डाला तो हमारे पास निकल के बाहर क्या आ गया एक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम दोनों लॉ में? जो स्क्रीन पे बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, सारे इंटरव्यू बैठे हैं, सबको आता है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी नूपुर मैम, जो फर्स्ट लॉ था मैम उसमें लास्ट लाइन दी है ए एंड बी आर ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर, मैम उसका क्या मतलब हुआ? लेट मी सी क्या कह रहे हो बेटा।
हाँ जी नूपुर बोलना कौन सी लाइन करे बेटा? फर्स्ट लॉ की लास्ट लाइन ए एंड बी आर ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर। वो कह रहा है कि जो ए पार्ट है x प्लस x इज इक्वल टू x, तो बेटा इसका ड्यूअल निकाल के बताना क्या बनेगा। अभी हमने किया ना प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी किया है। ओके ओके मम्मी यस मैम। यस मैम। x इज इक्वल टू x, इसका ड्यूअल क्या होगा? x इनटू x इनटू x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो वही कहा कि उसने कहा कि इस लॉ के अंदर जो भी दो स्टेटमेंट्स आती हैं वो आपस में क्या है, उसकी ड्यूअल है। ठीक है नूपुर, क्लियर? थैंक यू मैम। यस हाँ जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चले। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है वो, ये ऊपर का कट हो गया हुआ। चलो एसोसिएटिव लॉ करने लगे हम। नेक्स्ट लॉ हमारे पास क्या आ गया? एसोसिएटिव लॉ। ये मैं रफ कर रही हूं। ठीक है जी, अब एसोसिएटिव लॉ में क्या स्टेटमेंट है, वो कहता है कि दो स्टेटमेंट को प्रूव करता है ए और बी। फर्स्ट स्टेटमेंट उसकी क्या है, कहता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है जी, और सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है, एक्स y z equal to x y z। लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब हमें ये जब मैंने आपको एंड और नॉट करवाया था और जब मैंने समझाया था कि जब अब आपके पास जब कंबाइंड एक्सप्रेशन आ जाए तो उनका प्रायोरिटी लेवल समझाया था कैसे सॉल्व करना है, क्या था? बताया था ना मैंने प्रायोरिटी लेवल लास्ट में सबसे बोर्ड में यहाँ लिखा नॉट एंड और। यस ठीक है, नॉट एंड और, तो उसके ऊपर नॉट के ऊपर क्या चला जाएगा, आपकी ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, इसकी ब्रैकेट एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे फटाफट सारे जाने। एक्स वाई जेड जो मेरे पास यहां पे बैठे हुए हैं वो अच्छा सा ट्रूथ टेबल बनाएंगे, जो स्क्रीन पे बैठे हैं उनके पास ऑलरेडी आ गया हुआ है, वो खुश हैं, उनको नहीं बनाना पड़ रहा। अब तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो हमने लिख लिया पहले, क्या लिख लेंगे, एक्स y z, z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 0 1 कहां तक, 8 तक, फिर 0 0 1 फिर 4 0 4 1। फटाफट बना लीजिए। जो स्क्रीन पे बैठे हैं वो अपना थोड़ा सा पेज वेस्ट कर सकते हैं, बनाएं अपने आप। उसके बाद जब हमने x, y, z की वैल्यूज लिख ली तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया है, y प्लस z, ब्रैकेट में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, y प्लस z। कीजिए उसको सॉल्व, कीजिए y और z को प्लस कर दीजिए। बेसिक से ही अपने आप बनाना शुरू करोगे तभी जाके जब आगे कॉम्प्लेक्सिटी आएगी एक्सप्रेशन में तो आपको सॉल्व करना आएगा। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन कि इसको अपने आप बनाए। y प्लस जेड हमने कर लिया, अब इसका सॉल्व कीजिए, आपका एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस
वाई जेड, मतलब जो वाई प्लस जेड करके आपकी रो आई है उसको आप किसके साथ प्लस करेंगे, एक्स के साथ कर दीजिए। अब सेम हम अगर अपना एक्सप्रेशन दूसरी तरफ देखें जिसको हमने आपस में इक्वल शो करना है, तो उसमें क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई राइट। तो एक्स प्लस वाई को करके भी सॉल्व करके एक लाइन बना लीजिए। किसी को कुछ गेट नहीं हो रहा तो मुझसे बात कर सकता है, डंडा नहीं है मेरे पास। कॉन्ग्रेचुलेशंस, शाबाश, ये कर लिया मेरे बेटा, x प्लस वाई की शाबाश, x प्लस वाई भी कर लिया। उसको बाद x प्लस वाई को किसमें हमने ऐड करना है, z में, z में ऐड कर लीजिए। तो जब हमने z में ऐड किया तो क्या दोनों लाइंस आपस में इक्वल आ रही है, तो मतलब मेरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ट्रू। मैंने इसको प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो क्या अब ये बच्चे इसकी वो बना सकते हैं, गेट बना सकते हैं इसका, बनाइए सर्किट बनाइए इसका। तो सर्किट बनाने के लिए अब हमने यूज करना है अपना दिमाग।